मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिख कर इस देश को साक्षर बनाएंगे। आओ मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिख कर इस देश को साक्षर बनाएंगे। सबसे प्यारा हिंदुस्तान बनाएंगे, हिंदुस्तान बनाएंगे। आओ मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिख कर इस देश को साक्षर बनाएंगे। प्रौढ़ शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोक कला एक सशक्त माध्यम है। लोकगीत, लोक नृत्य, नौटंकी हमारे ग्रामीण जीवन की धरोहर है। प्रौढ़ शिक्षा के संदेश यदि इन माध्यमों से दिए जाएं, तो संचार करने में सरलता होती है और लोग अधिक से अधिक इसका लाभ उठा पाते हैं। तो आइए देखें हमारे प्रेरक और अनुदेशक लोक कला का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। क्या बात है, आज बीना बहन नहीं दिखाई दे रही। अरे दीदी, कल उनके घर में शादी थी, हो सकता है इसीलिए ना आ पाई हूँ। हमने तो ये भी सुना है कल उनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नाच गाने हुए थे। अरे दीदी भूल गए, उन्होंने हम लोगों को भी तो बुलाया था। अरे हाँ, ये तो हम लोगों को याद ही नहीं रहा। ठीक है, कल हम लोग वहाँ पर चलेंगे और उनका नाच देखेंगे, उनके गीत सुनेंगे और अपनी प्रौढ़ शिक्षा के गीत उनके गीतों से मिलाकर हम लोग भी गाएंगे। हाँ। बस मजा आ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तैयार हो ना सब लोग? हाँ। बस कल हम लोग वहाँ पर चलेंगे। में प्रौढ़ शिक्षा के गीतों को ढालकर लोगों में साक्षरता के लिए जागरूकता ला सकते हैं। हरी अम्मा कर दे पढ़े संग प्यारे, yeah।
इसी बात पे क्यों ना हम लोग एक गीत गाया जाए। नहीं भैया, आप लोग भी राजी हो? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो चलो फिर शुरू किया जाए, वही पौड़ शिक्षा वाला गाएंगे। चलो, पढ़ो पढ़ो सब प्रौढ़ लोग, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ो पढ़ो सब प्रौढ़ लोग, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने से विद्या की दूरी है, पढ़ने से विद्या आती है, पढ़ना सुख की दूरी है। पढ़ो पढ़ो सब प्रौढ़ लोग, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ो पढ़ो सब प्रौढ़ लोग, पढ़ना बहुत जरूरी है। दैनिक पत्रों पर पाओगे, चिट्ठी पत्री कर पाओगे। दैनिक पत्र तुम पढ़ पाओगे, चिट्ठी पत्री कर पाओगे। अशिक्षा हो अभिशाप तुम्हारा, शिक्षा बहुत जरूरी है। अशिक्षा हो अभिशाप तुम्हारा, शिक्षा बहुत जरूरी है। पढ़ो पढ़ो सब पढ़ लो, पढ़ना बहुत जरूरी है। मंडलियां तो होती ही हैं और ऐसे कार्यक्रम वहां का आम मनोरंजन है। उन्हीं कलाकारों से गीतों की ताल और लय तथा वाद्यों से प्रौढ़ों में जागरूकता लाने के लिए हम किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं, जरा सोचिए। तो भैया, अब हमरी ओर से एक कवित्व सुन लियो। भैया एक कवित्व सुन लियो। वही पिता माँ जिम्मेदार जो रखते भैया वही पिता माँ जिम्मेदार जो रखते सीमित परिवार।
परिवार परंपरागत भजन में प्रौढ़ शिक्षा के संदेशों को किस प्रकार डाला जा सकता है उसका एक उदाहरण आपने देखा। इसी प्रकार हमारी संस्कृति में लोक मंचन कला माध्यमों की बहुतायत है, जैसे राजस्थान में ख्याल, उत्तर प्रदेश में नौटंकी और रामलीला, बंगाल में यात्रा, आंध्रा में बुर कथा आदि। आइए हम अपने प्रौढ़ महिला एवं पुरुष प्रतिभागियों को लेकर एक नौटंकी दिखाने चलते हैं। मोर मुकुट माथे तिलक और प्रकृति अधिक विशाल और बजा रहे मुरली मधुर प्रभु चढ़े कदम की। देखिए माली आता साहब, देखिए चलना चाहिए, अपनी फुलवारी को देखना चाहिए क्या हो रहा है, कैसी हरियाली हुई है। भाई शाबाश, अरे बारे फुलवारी थोड़ी बड़ी, अब चले आराम करना चाहिए। हरी देख रहे अरे शेर आए था।
क्या हुआ माली? कुछ पूछो ना। हाँ क्या हुआ? कैसे क्या हुआ? शुगर ने तान तोड़ दी। शुगर ने मार दी। हाँ लाओ चापट्टी तुम्हारी करते जाओ राजा हरिचंद के पास। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा भाव है गवा। पक्षी अपने अपने वतन को जा रहे हैं और शाम के वक्त जो है छत्री लोग शिकार नहीं करते हैं और आन हुआ संध्या समय और जा माली निज धार और इस दम जीव अरे सतावन रे माली महापाप को आइए देखें लोक नाट्य के इन अनुभवों का प्रयोग हमारे अनुदेशक अपनी प्रौढ़ कक्षाओं में किस प्रकार करते हैं। भाइयों आप सब लोग तो जानते ही हैं कि हर शनिवार को हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। हाँ। उसी तरह इस शनिचर को भी हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं। लेकिन भैया एक बात है। हाँ। कि हर बार वही नाच गाना होता है। हाँ। बार कुछ नया करेक चाहिए। हाँ। जैसे नाटक नौटंकी। अच्छा 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 तो बताइए आप लोगों में से कितने लोगों ने नाटक देखा है? हाँ हाँ बताओ। हाँ तो आप देखो नाटक देखो तिवारी जी। हाँ भैया। कौन सा बताओ? लैला मजनू देखा रहा। और भैया और कौन नाटक देखे? हम देखा रहा। हरिश्चंद्र वाला। हरिश्चंद्र। अच्छा अच्छा। हाँ हम देखे रहा नू घोड़ा पर एक औरत या कटपट कटपट और कुछ तलवार न चाहिए। अच्छा, अच्छा। क्यों बिल्कुल भैया ये सब तो बहुत बड़े बड़े नाटक है। हाँ ऐसे नाटकों के लिए तो हमें बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां करनी पड़ती है। लेकिन आप लोगों को याद है कि पिछली बार केंद्र में हमने अपने गांव से संबंधित ही एक घटना पर एक छोटा सा दृश्य किया था। उस पे आप लोगों ने अभिनय किया था। आज हम इसी को करेंगे। तो आइए आप लोग इसमें से महाजन का अभिनय कौन कर सकता है? इनका देखो ना। हाँ तो भाई नहीं 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 आइए इधर आइए। अरे करवा दे तो पहलवान लाग रहे ना। महाजन तो कम पहलवान लगते हैं। अब देखिए आप महाजन कहीं इसी बड़ी दाढ़ी होता है। आप भैया जमुना भैया आप आओ। हाँ आओ। अरे मेहरबानी भैया।
बेहरियन की तरह सरमाए रहे ना होता जो है क्या तो ये जवान है उनका जो है तुम देखो एक्टिंग विक्टिंग जो है थोड़ा बहुत देखो आप फिक्र ना करो ये तो हम सिखाएंगे ना आपको अच्छा अच्छा भैया ठीक है जैसा सिखाइए तो भैया ये लगेगा ये तो खूब जमेंगे अच्छा ये तो चलो ये हो गए महाजन के रोल के लिए अच्छा वो किसान किसको बनाया जाए हाँ भाई तिवारी ठीक जमुना भैया अब आप लोग दृश्य शुरू करें शेठ जी हमारा बैल मर गया है कुछ रुपया दे नहीं जाए अरे ससुर रामदीन तुम जब देखो तब तुम्हार बैले मरा करत है अरे का बताइए शेठ जी हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे अरे भूखे मर जाएंगे तो हम क्या करी देखो भैया तुम लेते बिरिया तो इतना रोवत गिर गिरा था मम्मूला देते बिरिया पैसा तुमका जो है नानी तुम्हारे मर जाती है शेठ जी एक बार ये कि पैसा एक फसल में चुका दे भाई हाँ देखो हम वो महाजन हैं कि जो तुमका इस जन्म में नहीं चुका पायो तो हम उस जन्म तक तुम्हारे पीछा नहीं छुड़ा यही फसल में चुका दे भाई चुका दे भाई ध्यान से सुन लियो दे था रुपया लाओ अंगूठा लाओ पहले यहाँ अंगूठा लगाओ समझे लो रुपया समझ गयो लेकिन देगा ना भूलियो समझ गयो होता यह है कि नाटक की शुरुआत करने से पहले हमें एक कहानी लेनी पड़ती है एक कहानी होती है और उसमें कुछ पात्र होते हैं अच्छा पात्रों को अगर हम सचमुच के जो पात्र हैं उन्हीं के अनुरूप कपड़े पहना देवें तो और अच्छा लगता है और जैसे वे चलते हैं फिरते हैं बोलते हैं जो हाव भाव करते हैं हम उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं समझ रहे हैं ना आप लोग अब ये सब हमें कैसे मिलता है होता यह है कि हम अपनी जाती जिंदगी में अपने आसपास करीब बहुत से ऐसे चरित्र देखते हैं अब जैसे मंदिर में पुजारी देखते हैं पंडित देखते हैं या सेठ साहूकार देखते हैं तो नाटक करते वक्त जब हम किसी चरित्र का अभिनय कर रहे हैं तो करते ये हैं कि हमने जो देख रखा है जो चरित्र उसी के हाव भाव को दोहराने की कोशिश करते हैं आपके इलाके में गीत नौटंकी आल्हा कठपुतली जैसे कौन से लोक माध्यम अधिक प्रचलित हैं क्या इनका प्रयोग प्रौढ़ शिक्षा के लिए किया जा सकता है यदि हाँ तो किस माध्यम से कौन सा विषय लिया जा सकता है चर्चा कीजिए क्या आप समाज और विकास से संबंधित कुछ ऐसे विषय सुझा सकते हैं जो लोक माध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंचाए जा सकते हों